हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत खाना। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की मशहूर मिर्च भजिया, जिसको हम मिर्ची की भजिया भी बोलते हैं। और ये मुंबई का पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, इसको साइड में स्नैक्स के तौर पे लिया जाता है। और जैसे हम वड़ा पाव खा रहे हैं और खाना भजिया खा रहे हैं, तो कई सारे जो वेंडर्स होते हैं ये अपना मिर्ची भजिया भी रखते हैं। और ये बहुत ही ईजीली बन जाता है, और वैसे भी ये ऑल टाइम फेमस है मुंबई महाराष्ट्र में। पर बरसातों के टाइम और सर्दियों के टाइम इसको खाने में मज़ा अलग आता है। आप इसको मेन कोर्स फूड के साथ भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी आप मिर्च भजिया को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और इसको बनाना बहुत सिंपल है। और वैसे भी मिर्ची के पकौड़े कई तरीके से बनाए जाते हैं, राजस्थानी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, दिल्ली स्टाइल, कई तरीके से बनाए जाते हैं। और ये जो अपना मुंबई स्टाइल है, अपना महाराष्ट्र स्टाइल, ये एकदम डिफरेंट होता है, एकदम सिंपल होता है, बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसको ईजिली बना सकते हैं अपने घर पर। एक्चुअली में होता क्या है, जो वड़ा वेंडर वाले जो होते हैं, जो वड़ा पाव बनाते हैं, उनके बाद जो बैटर बचा होता है थोड़ा सा, वो उसमें ऐसी मिर्ची काट के दो तरीके से बनाई जाती है, एक बीच में से चीरा लगा के और इसको हाफ करके। तो चलिए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि ये मिर्च भजिया हम कैसे बनाएं। मिर्च भजिया बनाने के लिए हमने लिया है 8 से 10 मिर्चें लिए मैंने। देखिए, आपको इस तरह की मिर्ची लेनी है, ये काफ़ी अच्छी होती है और तीखी भी नहीं होती, इसको खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। हल्का सा तीखा होता है, हल्का सा नॉर्मल होता है, बहुत अच्छी बनती है इससे। आप जरूर इसी तरह की मिर्ची लीजिए, जो ज़्यादा डार्क ग्रीन ना हो, बराबर से ऐसी लंबी लंबी हो। और हमें चाहिए बेसन, ये मैंने एक बाउल लिया है। और हमने लिया है हल्दी, ये आधी चम्मच है। नमक स्वाद अनुसार, ये मैंने एक चम्मच लिया है। और हमने लिया है खाने का सोडा, ये मैंने एक पिंच लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये देखें, थोड़ा सा ही सोडा है, ज़्यादा सोडा नहीं है, एक पिंच के बराबर है। तो चलिए अब हम मिर्चों में चीरा लगा लेते हैं। मैं आपको चीरा लगा के दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से काटनी है। तो देखिए, मैंने मिर्चियों को चीरा लगा लिया है, कुछ मिर्चियों को मैंने बीच में से फाड़ा है। ये देखिए, हमें बीच में से ऐसे चीरा लगाना है और इसी में हम बेसन डालेंगे। और कुछ मिर्चियाँ मैंने बीच में से चीरी है, 50% कर दिया, देखिए हाफ हाफ। और मुंबई महाराष्ट्र में ये दोनों तरीके से मिलती है, बीच में से चीरा लगा के और दोनों को 50-50 डिवाइड करके। तो चलिए हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम अपना बेसन डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम अपना नमक डाल देंगे, हल्दी, एक पिंच सोडा अब इसमें डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं। अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और हमारा जो बैटर है ज़्यादा पतला भी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमारी मिर्चियों में आराम से चढ़ेगा नहीं। अब इसको हम अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। हमको इतना स्मूथ रखना है इसको, ये देखिए, इतना ही हमें गाढ़ा रखना है जैसे ही अच्छे से मिर्चियों पर चढ़ सके। ये देखिए कितना स्मूथ बना है, एकदम सिल्क के जैसे बना है। अब इसके अंदर हम अपनी मिर्चियों को डालेंगे एक एक करके। अगर आपको एक एक करके डालनी वैसे डालिए, नहीं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। देखिए, इसको तो हम ऐसे ही लपेट के डाल देंगे, ये वाली तो एकदम सिंपल होती है। इसको डिप किया और ऐसे हम छोड़ देंगे इसको। और ये दूसरी वाली जो है, उसको थोड़ा सा हमें बीच में से ऐसे फाड़ के इसे डिप करना, जैसे इसके अंदर अपना बेसन जो है चला जाए अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए एकदम बेसन कैसे मस्त तरीके से लिपट गया है। अब ऐसे हम एक एक करके कढ़ाई में छोड़ेंगे। ठीक, देखिए मैंने एक कढ़ाई पे तेल रख दिया है और उसको मैंने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया अच्छे से। अब एक एक करके हम इसमें मिर्च भजिया डालेंगे। अब मैं एक एक करके इसमें मिर्ची डालूँगा, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे हम बेसन में। और इकट्ठी मैंने सारी मिर्ची डाल दी थी, उससे क्या होगा, अच्छे से बेसन पी लेंगी। और पीछे से इस तरह से साफ़ करके हम एक एक करके इसमें डालते रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, पहले मैंने हाई फ्लेम में रखा था गैस को, अब मैंने लो फ्लेम में रख दिया है, अच्छे से सिक जाएंगी अंदर तक। एक एक करके हम डालते जाएंगे, बहुत ईजी है इसको बनाना, हार्डली 5 मिनट्स में बन जाती है। अब
अब देखिए मैंने इसमें सारी मिर्चियाँ डाल दी हैं। अब इसको मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसको हल्का सा सुनहरा होने तक उसको अच्छे से पकाएंगे हम, बोले तो फ्राई करेंगे। अब देखिए मैंने इनको पलट दिया एक एक करके, नीचे से ये लाल होने लगी थी, एक एक करके मैं सबको पलट दिया। अब इसको हम अच्छे से, जब ये अच्छे से पक जाएगी, लाल हो जाएगी, फिर हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए अच्छे से ये लाल हो गई हैं, हमारी मिर्चियाँ अच्छे से सीख गई हैं। अब इसको हम एक स्टील की प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती हैं। ये देखिए आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा होगा आपको। ये देखिए जो मैंने बीच में से आधी जो फाड़ी थी, 50-50 करी थी, वो इस तरह से निकलती है, और बीच में जिसमें बेसन भरा था वो इस तरह से होती है। अब हमारी मिर्ची भजिया तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी मिर्ची भजिया तैयार है, इसको मैंने यूजन थ्रो एक प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा सा स्ट्रीट लुक देने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए, मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।